सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर स्टडी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन और सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, हाँ जी सिमुलतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म रिलीज हो चुका है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी में। और जो आज वाली वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय का अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो ये लास्ट डेट भी 5 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, यानी कल तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो आज मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा और ये फॉर्म को आप जल्द से फिलअप कर ले क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 25 तारीख को रिलीज हुआ था और 5 तारीख को इसका डेट ख़त्म। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर सर्च करेंगे www.bihar। यहाँ पर सर्च करना होगा आपको www.biharboard.online। इसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कर देने के बाद आपसे एक वेबसाइट खुल जाएगा जिस वेबसाइट का नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आपको सीधे यहाँ पर जाना है एप्लीकेशन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसके नीचे आपको आना है यहाँ इंटरेस्ट टेस्ट 2021 पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को है 2020 में, जिसका टाइम है 1 बजे से 3:30 बजे तक, और 31 एक 2021 में, मतलब कि 31 जनवरी को आपका क्या है मेन एग्ज़ाम। तो आप लोग जानते हैं कि सिमुलतला में मेन एग्ज़ाम होता है, सेकेंड फर्स्ट में होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सेकेंड में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। यानी फर्स्ट में जो आप क्वालिफाई करेगा वही मेन का एग्ज़ाम देगा, मेन का सब कोई एग्ज़ाम नहीं देता। चलिए हम लोग यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, भी एंड अप्लाई। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीधे चले जाना है लॉगिन वाले ऐप्स। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया था तो, अगर आप नए हैं तो यहाँ पर न्यू यूजर क्लिक हेयर कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ सारण, सपोज करिए कि मेरा सारण, मैंने ये डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। उसके बाद अपना ब्लॉक चूज कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ का ब्लॉक चूज कर लेता हूँ 500। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन का जो भी एप्लीकेशन भरना है, जिस कैंडिडेट का नाम जिस एप्लीकेशन भरा जा रहा है उसका नेम, उसका फादर्स नेम, वो कौन सी कैटेगरी का है, OBC ST SC ABC या EWS। तो आपको कोई एक कैटेगरी चूज कर लेना है, सपोज मैं एक कैटेगरी चूज कर लेता हूँ। अब देखिए क्या आप डिफिनेटली एबल है, हाँ है तो किससे है, अगर यस अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है डिफिनेटली एबल, या आपको सुनने में दिक्कत है, या आपने मेंटली अपने दिमाग का हालत ठीक नहीं है, या आपका आई में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ से सीधे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, जैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ चूज करता हूँ सपोज करिए कि 13 और 8 और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ 2000। तो आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ वही चूज करना है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2009 से, देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा 2011 तक होना चाहिए। अगर इसके आगे पीछे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फिलअप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि मैं ईमेल आईडी को प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी अपना राइट कर लेता हूँ। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है सब राइट इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आपका सिलेक्शन में रुकावट आ सकती है। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ।
यहाँ से आप परसेंटेज डिसेबिलिटी यहाँ पर राइट करना है, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ कि आप डिसेबल है, तो आप वहाँ पर परसेंटेज लिख कर लो। देखिए अपना मदर्स का नाम लेना है, जैसे मैं एक्स कुछ भी ले लेता हूँ। देखिए मुझे फॉर्म फिलअप नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक डेमो दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, नो कंपल्सरी, यानी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं है तो तभी इसको छोड़ ही देंगे तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही है। और देखिए क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर राइट कर देंगे तो एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो हो जाएगा, बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी नेम वगैरह फादर्स नेम या एड्रेस में चेंज नहीं करवा सकते। इसीलिए आधार कार्ड अगर अपना नंबर नहीं देंगे तो आई थिंक ये बेटर है। आपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं एक स्कूल का नेम लिख देता हूँ, सेंट जोसेफ, स्कूल का नेम राइट करने के बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे मैं कुछ लिख सकता हूँ। उसके बाद अपना पिन कोड लिखना है, पिन कोड लिख देता हूँ, अपने 5वीं क्लास का रोल नंबर लिखना है। अभी आप 5th क्लास में होंगे तो आई थिंक आपको रोल नंबर नहीं मिला होगा कुछ भी, तो ये तो प्रॉब्लम होगी ही कि 5th क्लास का रोल नंबर कैसे फिलअप करें, क्योंकि लॉकडाउन है तो स्कूल वगैरह खुले ही नहीं है, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो अभी रोल नंबर तो किसको पता ही नहीं है, ये कंपलसरी भी है, तो आप कुछ भी रोल नंबर दे दें, 1, 2, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें, नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद आपको वहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस, देखिए ये दो एड्रेस होता है, एक तो रेस्पेंडेंस एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस, ये उन लोगों के लिए होता है। देखिए कोरेस्पोंडेंस एड्रेस ये होता है कि आपके फादर कहीं सर्विस में काम करते हैं, मतलब कि सरकारी जॉब है आपके फादर का, तो आप वहीं कहीं किराए के घर पर रह रहे हो, तो वहाँ वो हो गया आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब कि वहाँ अभी लगभग रह रहे हैं। अब परमानेंट एड्रेस हो गया जहाँ आपका घर है, आप हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, तो परमानेंट एड्रेस हो गया। इसीलिए अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देने से दोनों सेम होंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उनको चेक करके, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इडिट इन्फॉर्मेशन फर्दर, OTP पासवर्ड भी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। क्या कह रहा है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इसको बाद में आप सुधार नहीं सकते, OTP पासवर्ड आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपसे एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना रहेगा, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है, और इसमें कुछ नहीं है। तो मैं उसको फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा है तो मैं आगे नहीं बता सकता क्यों, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का बात करो, इसीलिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फोटो वगैरह आपसे एडिट नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोटो एडिट करके आपको सेंड कर दूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और श्रृंखला वासी विद्यालय का फॉर्म टू आ चुका है, इसीलिए अब इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन फुल कंसेप्ट दिया जाएगा, जो कि मेरे पास दो गाइड है श्रृंखला वासी विद्यालय, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी कंसेप्ट हैं वो कि इस चैनल से आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।